द्वारका की सुप्रसिद्ध खीर। हाँ ऋषि भाई, गोपियों ने बड़े ही प्रेम से आपके लिए खीर बनाई है, कृपा करके इसका आनंद लें। क्या हुआ ऋषि भाई? ये खीर नहीं फिश है। अच्छा, तो तुम सब मिलकर मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हो क्या? नहीं ऋषिवर, हम आपको विष क्यों प्रस्तुत करेंगे? हमने तो बड़े मन से आपके लिए खीर बनाई थी। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। गोपियां वो किसी कीट को हानि नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार इस खीर में विष मिलाना ये संभव है ही नहीं। और ये हानिकारक विष का अंश खीर में कैसे आया? इसका अर्थ है ये विष जानबूझकर मेरी खीर में डाला गया। गुरुवर, मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि ये कार्य गोपियां कर सकती। क्षमा कीजिए, किंतु ये सत्य नहीं हो सकता। गोपियों के मन में कुछ है तो केवल प्रेम, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। विष उनकी सोच और उनकी पहुंच से बहुत ही दूर है, ये नहीं हो सकता। बस कृष्ण, बहुत हुआ। अब इन गोपियों को दंडित होना ही होगा। नहीं ऋषि भाई, मैं स्वीकार करता हूं कि आज यहां किसी प्रकार का षड्यंत्र अवश्य हुआ है। यदि आपने मुझ पे आज तक कभी भी विश्वास किया तो मेरी बात मानी। ये कार्य अवश्य ही किसी और का होगा। गोपियां ऐसा घृणित कार्य कभी कर ही नहीं सकती। ऋषिवर, तनिक देखिए उनकी ओर। खुफिया तो कितनी भोली है, तो ऐसा करने का विचार भी नहीं ला सकती मन में। ये त्रुटि है या षड्यंत्र, ये निश्चय तो तब होगा जब कृष्ण और रुक्मणी स्वयं मेरे लिए खीर बनाएंगे और राधा इस खीर को स्पर्श भी नहीं करेगी। अब यदि कृष्ण इन गोपियों को मेरे श्राप से बचाना चाहते हैं तो उन्हें मेरे लिए स्वादिष्ट खीर बनानी ही होगी, अन्यथा ये गोपियां, राधा, कृष्ण, रुक्मणी, समस्त द्वारिका भस्म होगी मेरी क्रोधाग्नि से। नहीं ऋषि, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। मैं और रुक्मिणी अभी जाके आपके लिए एक स्वादिष्ट खीर बना कर लाते हैं। गुरु शुक्राचार्य, आपकी योजना तो असफल हो गई। है तीनों लोगों के स्वामी, आज मुझे आपको खीर बनाने का आदेश देना पड़ा है। अपराध न इन गोपियों का है और न आपका। ये तो विधि का विधान है प्रभु, जिसे मैं चाहकर भी नहीं टाल सकता। श्री कृष्ण, ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा है वैसी खीर तो केवल राधा ही बना सकती है। राधा की सहायता के बिना हम ये खीर कैसे बनाएंगे? भले ही राधा हमारे साथ खीर नहीं बना सकती, किंतु राधा मार्गदर्शन तो कर ही सकती है। ठीक है, राधा तो श्री कृष्ण की सहायता कर रही है, अब तो पिताश्री की खीर अवश्य ही स्वादिष्ट बनेगी। और तो और मेरे समीप अब विष भी नहीं है। कहीं ऋषि दुर्वासा पिताश्री से प्रसन्न होकर उन्हें आशीष ना दे दे। अरे साम, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको भूख लगी है तो मुझे बता देते, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं खीर बना रहा हूँ। किंतु आर्य साम, आपको तो खीर बनानी ही नहीं आती है। दीजिए, मैं बना देती। नहीं नहीं लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि मुझे खीर बनानी नहीं आती है, क्योंकि सत्य तो ये है, ये खीर स्वादहीन ही बननी चाहिए। किंतु क्यों? यदि मैं पिताश्री की खीर को नष्ट नहीं कर सकता तो मैं उसे बदल तो सकता हूँ। तो अत्यंत स्वादिष्ट है। रुक्मिणी, तुम एक कार्य करो, तुम खीर लेके भोजन कक्ष में पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ माता, खीर अभी तक बनी नहीं? खीर तो बन चुकी है, किंतु इसे ठंडी होने तक यहाँ किसी को तो रुकना होगा ना। कोई और क्यों, मैं हूं ना। आप जाकर ऋषि दुर्वासा को ही सूचित कर दीजिए कि आपकी खीर तैयार है, तो जैसे ही ठंडी होगी मैं उसे लेकर वहां प्रस्तुत हो जाऊंगा। उचित है। हे महादेव, इस बार द्वारका की लाज रख लेना। पिछली बार तो किसी ने खीर को विषक्त कर दिया था, किंतु इस बार ऐसा कुछ ना हो। दुर्वासा ऋषि कृष्ण से क्रोधित नहीं होने चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। मैं महादेव का अंश हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। साम, जिस शक्ति का तुम अंश, वही शक्ति इस खीर की रक्षक है। अब देखते हैं तुम क्या कर पाओगे। यदि मैं इस पात्र को छू नहीं सकता तो फिर मैं श्री कृष्ण की इस खीर को नष्ट कर दूंगा। प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम कहाँ रह गए थे? हाँ माता, मैं बस लेके आने ही वाला था। ठीक है, मैं इस पात्र में ही खीर ले लेती हूँ। ये क्या, इस पात्र को तो मैं स्पर्श ही नहीं कर सकता। माता माता, आप रहने दीजिए, मेरे रहते आप क्यों कष्ट ले रहे हैं? लाइए, मुझे दीजिए। रहने दो साम, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तब तो तुम खीर लेकर आए नहीं। मैं ही जाती हूँ, कहीं ऋषि दुर्वासा क्रोध ना करने लगे। खीर लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ब्राह्मण को भूखा रखना उचित नहीं है। खीर खाते ही ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हो जाएगा। अब तो मेरे सभी प्रयास मुझे पुनः व्यर्थ होते दिख रहे हैं। पहली बार मैंने इतनी स्वादिष्ट खीर खाई है, परंतु मैं इस खीर की प्रशंसा नहीं कर सकता, अन्यथा मेरा यहाँ आने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अनर्थ हो गया, तुमने महाअपराध किया है, एक ऋषि के वचन का उल्लंघन किया। मेरे मना करने के पश्चात भी तुमने राधा की सहायता से खीर बनाई, ये मेरा घोर अपमान है। गुरु भाई क्षमा कीजिए, किंतु जो आवश्यक था हमने वही किया। आप अत्यंत विशिष्ट अतिथि हैं, तो आपके लिए खीर जो बननी चाहिए वो भी अति स्वादिष्ट होनी चाहिए, इसलिए हमने राधा से मार्गदर्शन लिया। बस मैं पहले ही तुम्हारी गोपियों से क्रोधित था, और अब तुमने स्वयं मेरे वचन की अवज्ञा कर मेरा घोर अपमान किया है। तुम्हें अपने इस अपराध का दंड भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। अपने वस्त्र उतारो कृष्ण। तुम्हारी गोपियों ने आश्रम में मेरे शिष्यों के समक्ष मेरा अपमान किया था, अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्रजा के समक्ष मेरी झूठी खीर से अभिषेक करके अपमानित करूंगा।